बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके क्लास में रखी हुई कुर्सी और मेज आपके धक्का लगाते ही अपनी जगह से क्यों हिल जाता है? आज इस पाठ में हम यही पता लगाएंगे। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे, पहला संतुलित और असंतुलित बल, दूसरा गति के नियम। बच्चों, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने, ठोकर लगाने की क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। इस बल से हम किसी वस्तु का आकार या आकृति भी बदल सकते हैं। इस बल के दो स्वरूप होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल। बच्चों, अगर एक टेबल पर एक पिंड रखा हो और उसके दोनों सिरों पर एक रस्सी बंधी हो, तो अगर आप रस्सी को एक सिरे से खींचेंगे तो पिंड उसी दिशा में खिसकने लगेगा। इसी प्रकार आप विपरीत दिशा से खींचेंगे तो पिंड उस दिशा में खिसकेगा, और अगर दोनों तरफ से खींचेंगे तो पिंड किसी भी दिशा में नहीं खिसकेगा। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, तथा ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। अब अगर हम दोबारा दोनों रस्सियों को एक साथ खींचेंगे, लेकिन एक और बल ज्यादा लगाते हैं और दूसरी और कम, तो इस अवस्था में पिंड उस दिशा में खिसकना शुरू करेगा जिस दिशा से अधिक बल लगाया गया है। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना पड़ता है, जिससे वह वस्तु गतिमान हो जाती है। यह वस्तु तभी तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर असंतुलित बल कार्य करता रहेगा। वस्तुओं पर लगने वाले इस गति को समझने के लिए गैलीलियो ने तीन गति के नियम बताए हैं। गति का पहला नियम। किसी आयत तल पर वस्तुओं की गति के अध्ययन के बाद गैलीलियो ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक आयत तल पर कांच की गोली लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, नीचे पहुँचते पहुँचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। जब ये गोली ऊपर की ओर लुढ़कती है तब इसका वेग घटता है। अब यदि दो आयत तल पर से इस गोली को लुढ़काया जाए तब क्या होगा, ये देखते हैं। जब गोली को बाई ओर से छोड़ा जाता है तब ये ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कती है, तथा दाएं ओर के आयत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि स्थल को क्षैतिज कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होती है। इसे उन्होंने राशि के रूप में P=mv नाम दिया, जहां P उस वस्तु का संवेग है, m उस वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग।
चलिए इस नियम की गणित्य गणना समझें। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल f लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1=mu और p2=mv होंगे। संवेग में परिवर्तन p2-p1 जो कि बराबर है mv-mu, मतलब कि m(v-u). संवेग में परिवर्तन की दर m(v-u/t) लगाया गया बल F=km(v-u/t) या हम बोल सकते हैं k ma। यहाँ a बराबर है v-u/2 वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। k एक अनुपातिकता स्थिरांक है। उदाहरण के लिए एक सवाल करते हैं। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? हमें ज्ञात है u=3 मीटर पर सेकंड, v बराबर है 7 मीटर पर सेकंड, t 2 सेकंड, m 5 kg, f=m(v-u/t) f बराबर हुआ 5 kg इंटू 7-3/2 जो कि बराबर है 10 न्यूटन के। अब अगर 5 सेकंड तक बल लगाया जाता है तो पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v=ft/m, v=3+10×f, 5/5 बराबर है 13 मीटर पर सेकंड। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुला बी का स्तर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब आप तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाते हैं तो पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण के समान है। परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अर्थात गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि ये अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान ले कि क्षेत्र दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों में दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी की द्रव्यमान 60 kg है तथा वह 5 मीटर पर सेकंड के वर्ग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 kg है तथा वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहली खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था।
टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस व्यक्ति गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। इन प्रश्नों के उत्तर। पहला, माना कि लड़की की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है। लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग 40 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर है 200 kg मीटर पर सेकेंड। माना कि लड़की के गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग 40 प्लस 3 kg इंटू वी मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर होगा 43 V kg मीटर पर सेकेंड के बराबर। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान होंगे, अर्थात 43V बराबर हुआ 200 के, तो V बराबर हुआ 200/43, जो कि प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकेंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। दूसरा, माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा है। परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की दिशा घनात्मक तथा दाएं से बाएं गति की दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। प्रतीक M तथा U दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशियों पर आधुलिक संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाती है। अतः M1 is equals to 60 kgs, U1 is equals to plus 5 meter per second, तथा M2 is equals to 55 kgs, U2 is equals to minus 6 meter per second. टक्कर के पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग 60 kg into 5 meter per second plus 55 kgs into minus 6 meter per second, जो कि बराबर हुआ minus 30 kg meter per second. माना कि दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग m1 plus m2 into v बराबर 60 plus 55 kgs into v meter per second, जो कि बराबर हुआ 155 into v kgs meter per second. संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले तथा बाद के संवेगों की समानता से v बराबर हुआ -30/115, जो कि बराबर हुआ -0.26 मीटर पर सेकेंड। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील होंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया हो। धन्यवाद।